ही है, क्योंकि अभी मिथाइल मिथाइल दोनों सिस हैं, हम क्या करते हैं एक मिथाइल और दूसरे मिथाइल को ट्रांस ले लेते हैं इस टाइम पे, एंड दैट एंड्स द थिंग। इसको आप ऐसे रखिए, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दैट। आप अगर इसको बाहर निकालेंगे तो दो मिथाइल जो है इथाइल के साथ मेल में आ जाएगा, तो वो सिमिलर हो जाएगा, ये और वो वाला सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप बाहर निकालेंगे तो ये और ये बाहर, अभी ये और ये अंदर है, तो उसको बाहर वाले को पलटेंगे तो अंदर वाला बन जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन दिस केस विल बी थ्री। अब सिचुएशन थोड़ी सी टफ होती जाएगी। यहाँ जी एडवांस जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करता है, आपके इसी लॉजिक को कि जो आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब इस केस में आप आई नीड द स्पेस, अब इस केस में इलेवेंथ में, यू जस्ट टेल मी योर आंसर, इलेवेंथ में आपने कितना दिया, इलेवेंथ में जो हमारा आंसर आएगा दैट इज फोर। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारा हर एक डबल बॉन्ड जो है वो जीआई शो करने के कैपेबल है। कुछ लोग अगर सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि थ्री स्टीरियो सेंटर्स हैं, एट आपका आंसर आ रहा है, हम कह रहे हैं कि फोर होगा, लेट अस सी हाउ इट विल बी। देखिए हम यहाँ पर इसके आइसोमर्स को बना रहे हैं मिथाइल हाइड्रोजन। अब मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ कि सपोज ये सिस है और नीचे वाला भी सिस है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिस और ट्रांस दोनों हो सकती हैं डबल बॉन्ड, तो मान लो दोनों सिस हैं। तो अगर ये दोनों सिस हैं तो फिर वो जी आई शो करने के कैपेबल नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ये दोनों सिस हों और इसको ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि तब ये जी आई नहीं शो कर सकता, तो सिस वाला एक ही होगा। अच्छा हाँ, लेकिन इट कैन बी कि अब एक सिस है, दूसरा ट्रांस है, और यहाँ पर मिथाइल है और हाइड्रोजन, अब ये जी आई शो कर सकता है जी, दैट इज कि ट्रांस वाले को अब हम ऊपर वाला कर दें और ये सिस कर दें और यहाँ पर हाइड्रोजन एंड मिथाइल, क्योंकि पहले केस में क्या है, हाइड्रोजन के सामने ट्रांस है, अब हाइड्रोजन के सामने सिस है, ठीक है। सो दैट मेक्स इट अनदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और तीसरा आइसोमर जो है ये हो सकता है कि दोनों ट्रांस हों और ये, तो क्योंकि इसको आप पलट के और आइसोमर नहीं बना सकते, नाउ दिस डबल बॉन्ड इज इनकैपेबल ऑफ शोइंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो टोटल नंबर कम्स आउट टू बी फोर। सो दैट्स हाउ वी प्रूव आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट केस में पहले आप बताइए आपने आंसर लिखा क्या। इस केस में जब आप देखेंगे यहाँ पर अगेन यू विल बी आंसर विल बी फोर, क्यों, द सिचुएशन इज सिमिलर। इसमें ये डबल बॉन्ड जी आई शो कर सकता है दोनों, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वही एजो कंपाउंड्स वाला, ये भी कर सकता है, सिमिलर होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको जो है सेम यहां पर जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, सिन सिन वो जी आई नहीं करेगा, सिन एंटी एंटी सिन दो हो गए, एंड देन एंटी एंटी वो जी आई नहीं करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी फोर इन दिस केस। नाउ द नेक्स्ट केस दैट इज दिस, आप थर्टीन वाले केस में अगर आप देखेंगे सो आपका आंसर आएगा कि थ्री,
थ्री किस तरह से आएगा, सबसे पहले आप ये जानिए ये जीआई नहीं शो कर सकता, इट इज़ नॉट ए सीरियस एंटर, पहली बात। तो इस केस में यू विल सी कि यहाँ पर ये हमारा सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस और सिस सिमिलर होगा क्योंकि ये जीआई शो ही नहीं कर सकता, और इट विल बी ट्रांस एंड ट्रांस। सो ये तीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे आपके इस केस में, एंड इस केस में हाउ मैनी आपने बनाए होंगे, इस केस में द आंसर इज जीरो, रीजन बीइंग नन ऑफ देम हैज द कैपेबिलिटी ऑफ शोइंग द जीआई। ये यहां से नहीं शो करेगा, ये इधर से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे H2 होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे स्टीरियो सेंटर ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये जीआई शो ही नहीं कर सकता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड नाइट।